हेलो ये लो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और मैं सुबह सुबह दुकान पर, क्योंकि तो यहाँ पर ये चढ़े हुए हैं काउंटर पर और यहाँ से सामान उतारना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि पीछे की तरफ रखा हुआ है और जब सामान काफ़ी टाइम से उतरे ना तो डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैंने कहा आप उतारो धीरे धीरे करके, और डर लगता है बस पैर स्लिप ना हो जाए। ये बोल रहे थे कि कल मैं अकेले ही इस काम को कर लेता, लेकिन ये रहता है ना कि दूसरा रहता है तो सामान पकड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। वरना क्या होता है ना, एक सामान ऊपर रखो एक सामान नीचे रखो, पहले चढ़ो फिर उतरो, उसमें ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और डर ज़्यादा रहता है। तो ये सारे डब्बे जो हैं अंडर गारमेंट्स के हैं जो मैं रखती जा रही हूँ। पहले ये डब्बे उतारने हैं, बाद में जो है पेटी वगैरह उतरेंगी, फिर पेटियाँ उतारने के बाद में सारा सामान खोलना है, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी क्या क्या है, क्या क्यों ज़रूरी है ये वाला काम करना, और दिवाली के दिन ही क्यों ये सब उतार रहे हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाऊंगी। यहाँ पर खुल चुकी है इस पेटी में, ये है कैंडल्स, सारे बहुत संभाल के रखी हुई थी, अब सारी यूज हो जाएंगी। और देखते हैं क्या क्या करते हैं इनका। ये बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा है। पहले भी मुझे ना एक कमेंट किया था आप लोगों में से किसी ने ही कि ये गंदा काम कैसे कर लेते हो, तो ये गंदा काम नहीं है, इसको करने के बाद में अच्छा अच्छा खाना मिलता है यार। दुकान का काम है तो करना पड़ता है। हालांकि इस पे ना बहुत ज़्यादा टेप लगाई हुई है, मैंने दो एक पेटी तो खोल ली है और इस पे मिट्टी भी ज़्यादा थी, मतलब नहाया धोया ना सब बराबर हो गया आज। अरे अब ना कोरोना के केस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं बाहर, वही बात कर रहे हैं, किसी नॉन में हो गया किसी को, और एक आंगनबाड़ी वाली दीदी हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी, वो भी जानती हूँ मैं उनको, उनके बेटे को भी हो रखा है। फोन बज रहा है आपका फोन, खुल जा भाई, खोलता हूँ एक मिनट। तो इस पेटी में जो है हमारा पैकिंग पेपर, और ये लास्ट टाइम हम लोगों ने सेल किए थे और पैकिंग का काम भी किया था, इस बार नहीं किया, अभी भी देखते हैं, अभी टाइम है। तो ये माला वगैरह जो है वो सब है, ये जो मंदिर में जो माला लगती हैं वो, और इसमें हैं सारे ये एनवलप, चलो ये पैकिंग का सामान है। अगर मेरे को लगा तो मैं दुकान पे बैठूंगी, अभी पहले मैं घर जाऊंगी काम करा करके फिर वापस आऊंगी। तो इसमें इसमें और चेक करना है, इनके फ्रेंड के पापा को हुआ है कोरोना ना, तो वही बात कर रहे हैं बाहर। यार पूरा घर ना ऐसे बेकार हो जाता है। ये तो खोल दिया है, नहीं इसको भी खोलते हैं। इसमें भी है ये बैल वगैरह है, ये लाइटिंग वाली बैल थी, इसमें लाइट जलती है, और कहाँ से ऑन होती थी यार भूल गई मैं। हाँ देखो दिखाती हूँ मैं दिवाली की शॉपिंग, ये मेरी शॉपिंग है दिवाली की जो मैं घर लेके जाऊंगी। मिट्टी मिट्टी हो गई है पूरे चेहरे पे, बालों पे, सुबह जीने की सफाई करी थी तो सारे में गंदी हो गई थी। ये ऐसे जलते हैं गणेश जी, अच्छे है ना, पन्नी में नहीं लग रहे हैं। इसमें ना गोल्डन कलर भी था और सिल्वर कलर भी था, तो पहले ये मुझसे मशीन मांग रहे हैं तो मैं इनको मशीन दूंगी, मशीन मतलब सेल दूंगी इनकी मशीन का, और फिर ये वाला काम करूंगी। बहुत सारा काम हो जाता है यार दिवाली पे। थैंक यू मनजीत मैम, आपने मुझे बोला कि गौरी के चैनल पे आपको उधर ध्यान देना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है, मैंने जैसे कि बताया था ना, मेरा नोज पिन भी यहीं पे पड़ा होगा गोल्ड का, देख इतनी लापरवाह इंसान है ना हम लोग। ये है ओके सर, ये भी एक कस्टमर आया था, पोनी हो चुकी है 100 रुपीज की, तो
कई बार तो लेट तक बोनी नहीं होती है, कई बार आती हो जाती है। तो ये अभी समेटना है, उनको दिया था एक। चलो मैं ये सारा सामान निकालती हूँ पहले, क्योंकि झाड़ू लगानी है, अभी डस्टिंग करनी है। बहुत सारा काम हो जाएगा, झाड़ू और डस्टिंग का बहुत मेन काम हो जाता है ना। फिर डस्टिंग कर दूंगी तो फिर सारे दोबारा झाड़ू लगाऊंगी, फिर इनके ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए झाड़ू लगाने के बाद में डस्टिंग करूंगी, उल्टी में ये चलते ही रहेगी लाइट। और इसमें ना फ्लावर पॉट भी है अच्छे अच्छे से। अब देखते हैं बाहर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये नहीं पता अभी हमें। हालांकि पता है 10:30 हो रहे हैं, मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, मैं नहा करके सीधे यहीं पर आ गई। चलो तो यहाँ पर मैं अभी काउंटर की सफाई कर रही हूँ। इन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया था, मैंने कहा आप झाड़ू लगा दो, फिर मैं यहाँ से डस्टिंग कर देती हूँ सारी। ऐसा नहीं है कि मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, मैं भी लगा लेती हूँ। झाड़ू पोछा करने में कोई बुराई नहीं है और अपना काम है तो इसमें तो वैसे भी कोई बुराई नहीं है, अपने काम में तो हर कोई करता है। तो मैंने कहा आप करो ये और मैं पीछे पीछे ये सब करती जाती हूँ। तो जितना भी दुकान का सामान है ना, मैं ये समेटती जाऊँगी और समेटने के बाद में ही मैं इसको सारा काम करूँगी। और जो भी मेरे चैनल पर नया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और यहाँ पर मैं दोबारा से छोटे छोटे से ये व्लॉग डाल रही हूँ, और अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए दोबारा से, बेल आइकन ऑन है कि नहीं है। और चलिए आप लोग सब दिवाली इंजॉय कीजिए, आप लोगों को भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जिसको गौरी के चैनल पर वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं, उसका लिंक मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जा करके चेकआउट कीजिए। ये पानी की बोतल ना बाहर से भर करके लेके आ रहे हैं, और क्योंकि ये ना ऊपर से पानी लेके आना पड़ता है दुकान की सफाई के लिए। पीने वाला तो घर से आ जाता है, लेकिन दुकान की सफाई वाला जो है वो दुकान में ही ऊपर की तरफ खारा पानी आता है। यहाँ पर दो तरीके के पानी मिलते हैं, खारा और मीठा। तो खारा वाला पानी यहाँ से भर लेते हैं और मीठे वाला पानी पीने के लिए घर से आता है। तो अभी तो हम दोनों फटाफट करके जल्दी से काम करेंगे, उसके बाद में ही सब कुछ देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आप फिर बाद में, अपना ध्यान रखिए। डस्टिंग हो रही है मेरी यहाँ पर, ये सब काम करना बहुत ज़रूरी है।